सूरत महर्षि कहे छे प्रताप सिंह भगवान जगजीवन ना यज्ञमा पधार्या भुजना दीवान ना यज्ञमा निर्दोष पशु ने बांधेला जोई प्रभु ना हृदय में दया आवी करुणा निधि नु हृदय करुणा थी पिघळी गयो। जगजीवन ने कहे छे તમે ભૂદેવ છો બ્રાહ્મણ છો નિર્દોષ પશુને હણી અને પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા એ તો અસુરનો માર્ગ છે। હિંસા એ બહુત બડા પાપ હૈ અહિંસા ધર્મ પરમો ધર્મ યજ્ઞ એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે। यदि प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा है उनकी आज्ञा का पालन करो। यज्ञ घी थी थई सके तल होमवाथी थाय जव होमवाथी थाय डांगर एटले चोखा होमवाथी थाय पशु ने मारी यज्ञ न होय। जगजीवन अहिंसात्मक यज्ञ करो हिंसात्मक नहीं। प्रभु ये बहु समझाए वो घमंडी हतो न मान्यो विनाश काले विपरीत मती भगवान ने भगवान ना संत ना वचन मा विश्वास ना आवे तो मानजो अनु परिणाम सारू नहीं आवे कैक अनर्थ थनार छे मृत्यु नजदीक आवी होय अधोगति थवानी होय तो ज एमना वचन में विश्वास न आवे तो ज ना पाड़ी जगजीवन है। प्रभु ये कहो छे तो अमे तमारा यज्ञ माथी जता रहीश। बोले आपनी मर्जी आप रहो या तो जाओ यज्ञ तो हिंसात्मक ज थशे। भगवाने यज्ञ नो त्याग कर्यो। मैं बार बार कहता हूं भगवान या तो संत अपना आंगणे थी नाराज थईने जाए ये अपना माटे बहुत सारी बात नहीं। यदि भलू चाहता हो उन्हें नाराज मत करो। एने कुराजी करीन सुखी कौन थई शके। सुखनो आपनारो भगवान छे भगवान छे। पापी ने वात समझाणी नहीं। सत्ता ना केफमा संपत्ति ना मदमा भगवान श्रीहरि नु वचन एने न मनाणो। भगवान गयान पाछळ थी राजा नु कोप थयो भयंकर युद्ध कर्यु छे। लश्कर फरी वळ्यु राजा नु कैंक वांकमा आव्यो। जगजीवन दीवान हतो ना भगवान प्रेरणा करे ने एम निर्णय लेवाय छे। साचा निर्णय सारा निर्णय लेवाय परमात्मानी इच्छानी वात छे। ओवडा निर्णय लेवाय ए भगवाननी इच्छानी वात छे। सारू बोलवू साचू बोलवू ए परमात्मानी इच्छानी वात छे। खराब बोलवू खोटू बोलवू भगवाननी आपणे
शुद्ध हशु, भगवान साचू बोलावशे, सारू बोलावशे, सारू कार्य करावशे, सारा निर्णय लेवडावशे, दोष भर्या हशे, अंतरमां कपट हशे, भगवान नहीं बोलावे साचू, नक्की करीने बैठा हशे, छतां कंईक अवळू सवळू बोलाई जशे, निर्णय अवळा सवळा लेवाई जशे। राजाना वांकमां एवो कंईक लश्कर फरी वळ्युं, त्रणेय भाईओए युद्ध कर्युं, राजना सैनिकोनी सामे पण टकी शके अन कमोते मुवा त्रणेय। यज्ञ भूमि नी जगह स्मशान भूमि सर्जाएगी, खेदान मैदान करी नाखो यज्ञ ने, ये परिणाम मिला। भगवान श्रीहरि का द्रोह किया तो ये परिणाम मिला, कौन सुखी हो सकता है। पहला कोई सुखी थया नथी, अत्यारे कोई सुखी छे नहीं, एनु वचन लोपी ने भविष्य में कोई थनार नथी। थनार सुखी थवो, रेती ने पीली अने तेल मळे, रेती ने पीलवाथी तेल मळे, पाणी ने वलोवाथी माखण मळे, आकाशना पुष्पनी माळा बनी शके तो भगवाननी आज्ञा लोपीने सुख मळे। मूर्खना जाम आज्ञा लोपीने सुखी थवानी आशा राखे छे। जिस डाली पे बैठ के आधार पाना है, इस डाले को हम काट रहे हैं, कौन आधार देगा हमें, वही डाले को हम काट रहे हैं। सुव्रत महर्षि कहे छे प्रताप सिंह, भगवान त्यां थी धमड़का पधार्या, हेलो, एक गाम थी बीजा गाम, बीजा गाम थी त्रीजा गाम, भगवान विचरे छे प्रतापैथम प्रथितो धराया, नारायणस्यासुरकर्महर्तु धर्म सभार्या ससुतश्च तेन प्रमोदमापातितरां प्रपोष्यं। पहला कोई सुखी थया नथी, अत्यारे कोई सुखी छे नहीं, एनु वचन लोपी ने भविष्य में कोई थनार नथी। सुखी थवो, रेती ने पीली अने तेल मळे, रेती ने पीलवाथी तेल मळे, पाणी ने वलोवाथी माखण मळे, आकाशना पुष्पनी माळा बनी शके तो भगवाननी आज्ञा लोपीने सुख मळे। मूर्खना जाम आज्ञा लोपीने सुखी थवानी आशा राखे छे। जिस डाली पे बैठ के आधार पाना है, इस डाले को हम काट रहे हैं, कौन आधार देगा हमें, वही डाले को हम काट रहे हैं। सुव्रत महर्षि कहे छे प्रताप सिंह, भगवान त्यां थी धमड़का पधार्या, हेलो, एक गाम थी बीजा गाम, बीजा गाम थी त्रीजा गाम, भगवान विचरे छे प्रतापैथम प्रथितो धराया, नारायणस्यासुरकर्महर्तु धर्म सभार्या ससुतश्च तेन प्रमोदमापातितरां प्रपोष्यं। अधर्मनो उच्छेद करता, अधर्मनो स्थापन करता, वंशे सहित धर्मनो स्थापन करे छे, पोषण करे छे, प्रभु
पुत्र परिवार सहित पोषण करे छे। ज्ञान वैराग्य नु पोषण थई रह्यु छे, भक्ति नु पोषण थई रह्यु छे और भगवान विचरी रह्या छे। दमणकाना राजा लाधोजी ने ख्याल आव्यो, प्रभु पधार्या छे, विशाल सामयु लईने राजा सामा गया छे। पास्ते गास्ते राजाए प्रभु ने पोताना भवनमां पधराव्या, प्रेमथी सेवे छे प्रभु ने। मारा भाग्य नो सूर्य उदय थयो, अक्षरधाम नो धणी मारा घरे पधार्यो, आनंद विभोर थयो छे राजा। एमनी इच्छा पूर्ण करी भगवान खाड़ी उतरी आभीर देश पधार्या छे। त्यांथी राजकोट पधार्या, लक्ष्मी नामना राजकन्याए प्रभु ने सेव्या, पूजन कर्यो अने पछी प्रभु फरता फरता श्राद्ध मास मां सरदार पधार्या छे। सोहामणी वर्षा खीली उठी छे, भगवान सरदार नी पावन कारी भूमि उपर पधारी चुक्या। तुंगजीत अने वेरीजीत नामना राजकुमारोए भव्य सामय तैयार कर्यो, सोना ने अंबाड़ी वाला हाथी शणगार्या, मैना रथ पालखी अद्भुत शोभा, भगवान ने ऊंचा हाथी पर बेसाड़िया छे, महान सदगुरु संतों ने बेसाड़िया, भव्य सवारी राजमार्ग पर। राजमहल मां प्रभु पधार्या, विशाल सभा पराणी, पूजन सत्कार थया, आरती थई, भगवान उपदेश आपे छे। दिव्य सभा छे, तळाव ने किनारे मेल छे, आजे दर्शन की राशि ने ख्याल प्रसादी नो मेल छे। भगवान सभा में बैठा छे, संतो बैठा, भक्तो बैठा, स्त्री भक्तो बैठा छे। श्वेत वस्त्र प्रभु ये धारण करा छे, मस्तक पर छोगला वाली पाग अद्भुत शोभी रही छे, कान में कुंडल जड़ाड़े छे, पाग में तोरा चुकी रहा छे, भ्रमराव गुंजारव करे छे, केटली प्रकारना हार पहेर्या छे, सोनाना पुष्पना दिव्य शोभा। जोनारा चित्त ने प्रभु चोरी रहा छे, मंद मंद हसे छे, करोड़ कामदेव ने लज्जित करे आवी मनोहर छवि छे प्रभु। अजान बाहु श्याम सुंदर विशाल भालमा उर्ध्वपुंड तिलक शोभी रह्यो छे, दिशाओना अंधकार ने भगवान आज दूर करी रहा छे नखनी कांति द्वारा। ए वक्ते सभामा राजकुमारो ए प्रश्न कर्यो, प्रभु काम क्रोध ने लोभ आ त्रणे भयंकर शत्रु छे, पण आ त्रणे मां सौथी भयंकर कोण? अद्भुत प्रश्न। प्रभु अतीव प्रसन्न थया छे, प्रश्न पूछो ने कोई सामान्य वात नथी, प्रश्न पूछताय नथी आवडतो लोकोने, बोलवा उपरथी, पूछवा उपरथी, उत्तर करवा उपरथी लोकोनी बुद्धि नो ख्याल आवी जाय छे, नथी आवडतो। भगवान कहे छे, भक्तो तमारो प्रश्न अद्भुत छे। કોઈ આપણને એમ કે હિરણ્યકશિપુ રાવણ અને કંસ આ ત્રણેય ભયંકર અસુરો, પણ એમાં સૌથી ભયંકર કોણ? શું જવાબ આપો? ત્રણેય ભયંકર, ત્રણેય પાપિષ્ટ, એમ કામે એવો ક્રોધે। ભગવાન કહે છે એક કામ વ્યાપે તો એ 84માં ભમાવે, ક્રોધે ભમાવે અને લોભ તો એથી ભયંકર છે। ત્રણેય શત્રુ ભયંકર છે, પણ વિદેશથી આવેલો એનું ગામ ભુજની પેલી બાજુ માધાપુરમાં એમની બહેન રહી, ભાઈને થયું બહેનને મળતો જાવ, રસ્તામાં ગામ આવે છે, પછી જઈશ ઘરે।